हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विथ रिचा श्रेयम। तो आज मैं लेकर आई हूँ हेना पाउडर, घर पर कैसे बनाएं जिससे कि हमारे हेयर को काफ़ी डार्क और रिच कलर मिले। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर हेना पाउडर, आप कोई सा भी हेना पाउडर ले सकते हैं। साथ साथ मैंने लिया है यहाँ पर हाफ लेमन, और यहाँ पर ये मैंने चाय की पत्ती की पानी प्रिपेयर की है, और ये मैंने लिया है नीम पाउडर। गाइज, ये नीम पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब पानी लिया है। इसमें मैंने 8 से 10 लौंग ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून के करीब चाय की पत्ती ऐड की है। आप कोई सा भी चाय की पत्ती ले सकते हैं। इसे आप हाई फ्लेम पर बॉईल करें गाइस, जब तक ये पानी हाफ ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है और ये हाफ हो चुका है। इसके बाद आप इसे हल्का गर्म ही रखें गाइस और इसे छान लें। अब हम इसमें हल्का गर्म ही इस हेना पाउडर में ये पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हेना लिया है, इसका लिंक मैं दे दूँगी गाइस। अगर आपको ये हेना पाउडर चाहिए तो काफ़ी अच्छी हेना पाउडर है गाइस, तो आप हेयर के अकॉर्डिंग हेना पाउडर ले ले। इसके बाद मैं अब इसमें मिक्स करूँगी लेमन और नीम पाउडर गाइस। लेमन और नीम पाउडर, मैं आपको इसका बेनिफिट्स बताती हूँ गाइस। नीम पाउडर गाइस एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है इसमें, जिससे हमारी हेयर काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी होती है, हमारे हेयर को मॉइस्चराइज भी बनाती है, और हमारी जो फ्लेकी स्कैल्प होती है उसके भी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है गाइस हमें। और ये जो हमारी लेमन है यहाँ पर, ये लेमन एक डाई रिलीज करती है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होती है और हमारे हेयर को काफ़ी शाइनी बनाती है। अब हम इसमें हल्का ये गर्म पानी जो हमने प्रिपेयर किया था वो ऐड करेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। धीरे धीरे करके पानी आप ऐड करें गाइस, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे लौंग भी मैंने ऐड किया है इस पानी में गाइस, जिससे कि हमारे हेना को काफ़ी डार्क कलर मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले गाइस। हेना हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसमें केमिकल नहीं होते गाइस, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहें, और ये पानी हल्की गर्म होनी चाहिए गाइस, इससे हेना का कलर काफ़ी अच्छा आएगा गाइस। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। लगातार इसे मिक्स करते रहे, कोई लम्स ना रहे, और इसे ढक के छोड़ दे गाइस ओवरनाइट। और नेक्स्ट डे गाइस देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है।